नेटफ्लिक्स की नई फिल्म मर्डर मुबारक, जिसका ट्रेलर देखने के बाद हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। मैं एक बहुत ही बढ़िया मर्डर मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। जो थोड़ा नाइव्स आउट से इंस्पायर्ड होगी, थोड़ा व्हाइट लोटस से इंस्पायर्ड होगी, बट दिस मर्डर मिस्ट्री इज अ मेस। एंड इसकी शुरुआत के 50 मिनट देखने के बाद ही मेरा ऐसा मन करने लगा था कि भाई मैं इसको बंद करके बस अब बैठ जाना चाहता हूँ, मैं और नहीं सह सकता। दिल्ली के एक बहुत बड़े क्लब में, जिसका नाम होता है रॉयल दिल्ली क्लब, में वहां पे एक जिम ट्रेनर का मर्डर हो जाता है। अब वो मर्डर किसने किया है, उसके शक की सुई उस क्लब के सारे मेंबर्स के ऊपर आती है। उसको इन्वेस्टिगेट करने आते हैं ACP भवानी सिंह, विच इज प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी। और फिल्म की जो स्टोरी है ये एक नॉवल से इंस्पायर्ड है जो 2021 में आया था, जिसका नाम है क्लब यू टू डेथ। देखो, स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, ये एक डिसेंट सी मर्डर मिस्ट्री हो सकती है। एक बड़ा सा दिल्ली का क्लब है जिसके अंदर किसी जिम ट्रेनर का मर्डर हो चुका है। अब उसको वहां पर ACP भवानी सिंह आकर इन्वेस्टिगेट करेगा और धीरे धीरे हमें इस फिल्म के एंड तक आते आते एक बढ़िया पे ऑफ मिलेगा और हमें जो वो मर्डरर है उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि उसने मर्डर क्यों किया था। बट ये आपको जितना सिंपल लग रहा है ना, मुझे भी उतना सिंपल लग रहा था। लेकिन भाई, जब इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है, जब कैरेक्टर्स का बिल्डअप शुरू होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये फिल्म एक ही समय पर कितनी सारी चीजों को हमें बताने का ट्राई करती है, एक भी चीज को सही तरीके से हमारे सामने डिलीवर नहीं कर पाती। शुरुआत के 45 से 50 मिनट के अंदर स्टोरी इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसका स्क्रीन प्ले कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश भी करता है, हमारे सामने पूरे वर्ल्ड की बिल्डिंग भी करता है, हमें ये भी दिखा देता है कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, उसी के अंदर कुछ कॉमिकल सिचुएशंस डालने की कोशिश करता है जो जिसमें से एक भी जोक लैंड नहीं करता, आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, अपना पोकर फेस लेकर वहां बैठे रहोगे और आपको लगेगा कि ऐसी स्टोरी चल रही है। देखो, इस फिल्म की कास्ट काफी अच्छी है। पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, करिश्मा कपूर, इसका चोपड़ा, डिंपल कपाड़िया, सारे बहुत ही मंझे हुए एक्टर्स हैं, सभी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। एंड इस फिल्म के अंदर भी सभी ने देखो ठीक ठाक काम करा। मैं किसी भी कैरेक्टर को लेकर ये नहीं कह सकता कि इस वाले एक्टर ने सबको आउटशाइन कर दिया है, उन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी का काम बुरा भी नहीं है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और जिस तरीके से सीन को सेट करा गया है वो भी बहुत ही बढ़िया है, इसकी एडिटिंग भी बहुत ही क्रिस्प है। लेकिन स्टोरी कहाँ है? स्टोरी इतनी सिंपल सी थी, एक मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना था। जैसे ये फिल्म स्टार्ट करोगे, आपको फिल्म के स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि एक मर्डर हुआ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म बन जाती है, जहां पर जो कॉमेडी सिचुएशन है वो बहुत ही बेकार है। फिर ये एक लव स्टोरी बन जाती है। एंड इस फिल्म के अंदर ना लव स्टोरी एक फिलर का काम करती है। आपको ये लगेगा कि भाई, इस लव स्टोरी को हटाओ और हमें उस मर्डर मिस्ट्री को दिखाओ कि वो मर्डर किसने किया है, उसका मोटिव क्या है। इसका स्क्रीन पे एक टाइम पर इतना बुरा हो जाता है कि जितनी भी ठरकी ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी सिचुएशन इस स्क्रीन प्ले के अंदर डाली जाती है, जहां पर एक सीन में ऐसा होता है कि डिंपल कपाड़िया का जो कैरेक्टर है वो एक डेड बॉडी के पास जाकर उसकी आईज को टच करने लगता है बहुत ही वियर्ड तरीके से, और पता नहीं वो सीन वहां पर क्यों डाला गया। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ऐसा लगता है कि यार खुद को ही प्ले कर रहे हैं, और पिछली कुछ फिल्मों में भी हमने ऐसा ही देखा था, जैसे कि मैं अटल हूं, वहां पर ऐसा लगता है कि वो खुद को ही प्ले कर रहे हैं, बहुत ईज है वो कैरेक्टर के अंदर एंड उनको कुछ ज्यादा एफर्ट भी पुट करना नहीं पड़ रहा। एक्चुअली जो फिल्म शुरू होती है वो अपने सेकंड हाफ में शुरू होती है, जहां पर आपको देखने के लिए लगता है कि हाँ, अब एक हमें अच्छी सी मर्डर मिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है। क्या आप वहां तक जाने का वेट करोगे? आप खुद को वहां तक पहुंचा सकते हो? मुझे नहीं लगता। आपको एंड में जाकर एक अच्छा पे ऑफ भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आप उस पे ऑफ तक खुद को पहुंचाना चाहते हो? आपका जाने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा वीक है। तो इस वीकेंड पे अगर आप फ्री हो, कुछ बढ़िया देखना चाहते हो, तो ये तो बिल्कुल मत देखना। लेकिन एक और फिल्म है जिसका मैं रिकमेंडेशन आपको दे सकता हूँ, जिसका नाम है योद्धा। तो जाने से पहले उसका रिव्यू यहाँ पर क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लेना। ये एक बहुत ही सही फिल्म है जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।